नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। मीलिया एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर इमाम के कई ठिकानों पर एक साथ इनकम टैक्स की पड़ी छापेमारी। अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा की जिला कार्यकारिणी समिति की हुई बैठक। G20 शिखर सम्मेलन के बाद अपना देश भारत बड़े कैनवास पर उतर कर सामने आया। अब तेजी से भारत डिजिटल युग की ओर हो रहा है अग्रसर। अति पिछड़ा का सबसे बड़ा लीडर मैं हूं, MP MLA मेरे चेले चटिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रोफेसर रतन मंडल का विवादित बयान बनने लगा है राजनीतिक चर्चा का विषय। और अब खबरें विस्तार से। मीलिया एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर इमाम के कई ठिकानों पर एक साथ इनकम टैक्स की पड़ी छापेमारी। भागलपुर, पटना, पूर्णिया स्थित आवास समेत कई ठिकानों पर मिले कई दस्तावेज। डॉक्टर असद इमाम पूर्णिया से विधान परिषद चुनाव भी लड़ चुके हैं। काफी कम समय में अकुल संपत्ति के मालिक बने मीडिया एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर इमाम के घर पर इनकम टैक्स की एक साथ छापेमारी चल रही है। इस बाबत भागलपुर जिले के उर्दू बाजार स्थित रकाबगंज के पास मीलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल में आय से अधिक संपत्ति मामले में आयकर विभाग की टीम के द्वारा छापेमारी से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। मीलिया एजुकेशनल ट्रस्ट के कई अन्य ठिकानों पर भी आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। भागलपुर के रकाबगंज मीलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल के साथ साथ पूर्णिया स्थित आवास समेत पटना में भी छापेमारी एक साथ चल रही है। इनकम टैक्स की टीम, कई अधिकारी और कर्मी अंदर मौजूद है। इनकम टैक्स की टीम कई तरह के दस्तावेजों की जाँच कर रही है। हालांकि कोई भी अधिकारी कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक 8 सदस्यों की टीम अर्धसैनिक बलों के साथ पटना और झारखंड नंबर की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। यहां छापेमारी की जा रही है। हालांकि कोई भी अधिकारी कुछ भी बताने से परहेज कर रही है। मीलिया के संस्थापक असद इमाम के शिक्षाविद के तौर पर जो पहचान है, उसका सियासी तौर पर भी नामचीन चेहरा काफी प्रचलित है। असद इमाम पूर्णिया से विधान परिषद चुनाव भी लड़ चुके हैं। अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा की जिला कार्यकारिणी समिति की हुई बैठक। अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा भागलपुर इकाई द्वारा जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक रखी गई, जिसमें यादव समुदाय के विकास को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग से लेकर कई विभागों पर विशेष वार्ता की गई। साथ ही एक साल में क्या कार्य हुआ उस पर भी समीक्षात्मक बैठक की गई। कार्यक्रम के दौरान ई सुभाष कुमार यादव, उपाध्यक्ष रंजन यादव, युवा अध्यक्ष अंकित कुमार यादव, महिला जिलाध्यक्ष राजू रंजना, अभिषेक यादव, प्रपूर्ण प्रताप, डॉक्टर पंकज कुमार यादव, अधिवक्ता मनोज कुमार यादव, बालकृष्ण यादव, महादेव यादव सहित भागलपुर जिले के कहलगांव प्रखंड अध्यक्ष विजय यादव, कुराडी से अविनाश कुमार यादव, सनहौला से सुदाम यादव, सित्तू यादव, अंजलि कुमारी, नेहा यादव, पिंकी यादव, ललिता देवी सहित अखिल भारतीय यादव महासभा के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज हम लोग अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा का जिला स्तरीय संगठनात्मक जो कार्यकारिणी समिति है, उसकी बैठक हम लोग रखे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग जो अपने समाज को एकत्रित करने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए अपना एक कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें कई तरह की योजनाएं हैं, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, सामाजिक विकास का है। इन लोगों को हम लोग अभी पूरे प्रखंड वाइज हम लोग घूम रहे हैं, सब जगह पर संगठन कायम कर रहे हैं और अब तक जो हम लोग किए हैं उसकी समीक्षा कर रहे हैं कि हम लोग सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। सभी प्रखंड अध्यक्ष को बुलाए हैं, अपने जिला स्तरीय जो भी पदाधिकारी हैं, उपाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, राज्य कार्यकारिणी में हमारे जो पदाधिकारी हैं वो लोग भी शरीक कर रहे हैं और हम लोग आपस में बैठ करके इस चीज़ को एक समीक्षात्मक कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि हम लोग की कमी अगर कहीं है तो उसको कैसे पूरा करेंगे, कैसे दूर करेंगे और समाज को एक उचित राह दिखाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कहां पर हम लोग इसको और मजबूत बना के कैसे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आगे चल के हम लोगों को जिला सम्मेलन करना है और पूरे प्रखंडों से लोग आएंगे। करीब दिसंबर के लास्ट तक उम्मीद है कि हम लोग जिला सम्मेलन करेंगे और उसमें 50,000 से ऊपर के हमारे सुजातीय लोग आएंगे। संगठन को मजबूत करेंगे, मजबूत दिशा
और अच्छे काम के लिए इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। शिक्षा का अभियान होगा, सब आपस में सामाजिक संगठन और सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए भी हम लोग उसको प्रेरित करते हैं कि अपने अगल बगल के लोगों को भी साथ लेकर के चलेंगे। लेकिन मुख्य उद्देश्य हम लोग को अपने स्वजातीय हित में काम करने का है और इसका कई तरह के कंस्ट्रक्टिव वर्क भी हम लोग लिए हैं हाथ में। छात्रावास वगैरह का हो गया, या फिर किसान को हम लोग कैसे फ़ायदा दे सकते हैं, गरीब के बच्चों को कैसे पढ़ने के लिए हम लोग कुछ व्यवस्था कर सकते हैं सामाजिक रूप से, ये सब हमारा कार्यक्रम है और बहुत मुस्तैदी से हम लोग कर रहे हैं। युवा अध्यक्ष हैं हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और हम लोग के साथ डॉक्टर का टीम भी जुड़ा हुआ है। कई प्रकोष्ठ हैं, शिक्षक के हैं हमारे आकाश आनंद जी हैं और डॉक्टर हमारे डॉक्टर पंकज कुमार यादव जी हैं, सदर हॉस्पिटल में भी हैं और अपना क्लिनिक भी चलाते हैं। ये निःशुल्क सेवा भी देते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और हमारे रंजन जी, मैं यहाँ पर इंजीनियर सुभाष यादव भागलपुर अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के जिला अध्यक्ष हैं हम, और उसी के भूमिका से मैंने ही आज सब लोगों को कॉल किया है। अपने पदाधिकारी और जितने भी प्रखंड अध्यक्ष लोग हैं सबों को बुलाया कि आज विचार विमर्श करते हैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं, कहां तक पहुंच रहे हैं, 2024 के चुनाव को किस तरह देख रहे हैं अभी हम लोग। ये हमारा बिल्कुल सामाजिक संगठन है, कोई पार्टी और इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा समाज जब शिक्षित और समझदार हो जाएगा तो वो अपने अच्छे लोगों को चुनेगा। कौन उस समय में क्या परिस्थिति होगी उसके हिसाब से लोग समझेंगे उनको। हम ये प्रेरणा नहीं दे रहे हैं कि आपको फलाना पार्टी के साथ वोट देना है या करना है, इस पर हमको कोई किसी तरह का चर्चा इस पर नहीं करते। हम लोग अपने सामाजिक संगठन को मजबूत करने की बात करते हैं। क्या जिला स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक है आज। हम लोग जो विगत कुछ दिनों में जो कार्य किए हैं इंजीनियर सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में, उसकी समीक्षा कर रहे हैं कि हमने अपने यादव समुदाय के लिए क्या क्या कार्य किया, क्या क्या छूट गया, इसी को लेकर आज हम लोग बैठक कर रहे हैं और आगे की जो रणनीति होगी हमारे यादव समुदाय में, जो समस्याएं हैं बुनियादी शिक्षा स्वास्थ्य और सारी बहुत आपसी सौहार्द जो समस्याएं हैं उनको लेकर हम लोग आज चर्चा करेंगे और उनके लेकर रणनीति करेंगे कि किस तरह हमारा समुदाय मजबूत हो और किस तरह हम एक हों। रंजन कुमार यादव, जिला उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय यादव महासभा, भागलपुर। G20 शिखर सम्मेलन के बाद अपना देश भारत बड़े कैनवास पर उतर कर सामने आया। अब तेजी से भारत डिजिटल युग की ओर हो रहा है अग्रसर। डिजिटल युग में जो परिवर्तन हुआ है उसके अनुसार मौजूदा दौर में काफी बदलाव हुआ है। एक दौर था जब हम लोग स्टोन एज, मेटल एज, इंडस्ट्रियल एज में थे। अब इंफॉर्मेशन एज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद VSLI में परफॉर्म करने लगे हैं। उसका नतीजा भी सामने है। G20 शिखर सम्मेलन के बाद अपना देश भारत बड़े कैनवास पर उभर कर सामने आया है। उक्त बातें भागलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में 150 शोध पत्रों के बाद निकलकर सामने आई है। पिछले दिनों भागलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडवांसेस इन इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे विषय पर देश के अलग अलग राज्यों से विशेषज्ञों का आगमन हुआ था। विशेषज्ञ इंजीनियर निर्मल कुमार का मानना है कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ की आबादी में युवा और उनकी एनर्जी आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बेहतरीन साइन है। उसी का नतीजा है भारतीय युवा वैज्ञानिक की मांग फॉरेन कंट्री में सबसे ज़्यादा है। चंद्रयान की तैयारी में सारी तकनीक भारतीय है जो ग्लोबली बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। विशेषज्ञों ने स्मार्ट सिटी के प्लानिंग में स्मार्ट कनेक्टिविटी, स्मार्ट गवर्नेंस मसले पर कई सुझाव दिए। अन्य विशेषज्ञ इंजीनियर शशांक झा ने बताया कि जब लॉन्च किए गए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम को भारत सरकार और बिहार सरकार ने अमल में लाया है तो उससे कई सारे बदलाव सामने दिखने लगे हैं। सर्चर आपके सेमिनार में पहुंचे, उन लोगों का जो इनपुट आपने लिया और उनका जो आउटपुट वो क्या डायरेक्शन है अगर हम भारत की बात करें। मैं तो सारे डेलिब्रेशंस को कैप्चर नहीं किया था लेकिन अभी जो कुछ क्षण पहले मैं सुन रहा था, एक NIT जमशेदपुर की प्रोफेसर थी रश्मि सिन्हा, उसने एंटेना को सॉफ्ट कंप्यूटिंग के मदद से इफ़िशेंट बनाने के लिए ब्लेंडिंग किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के, कि एंटेना जो सिग्नल को रिसीव करता है उसको कैसे ट्रांसमिट करता है सो दैट कि आपके जो टीवी है, कंप्यूटर है,
चाहे और कोई सेटेलाइट कम्युनिकेशंस का जो माध्यम है उसमें उसका परफॉर्मेंस बूस्टिंग कैसे हो, उसकी शक्ति कैसे बढ़ा जाए, तो यह सब डिलिब्रेशंस हुआ है आज के कल के सेमिनार्स में। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ तो उस परस्पेक्टिव में जो मेरा प्रेजेंटेशन था उसके टेक्नोलॉजिकल आस्पेक्ट्स थे, उस पर मैं डिटेल में डिस्कस किया हूँ। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूजर के परस्पेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आई एम सिविल इंजीनियर एंड आई एम यूजर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्ट कंप्यूटिंग टू बूस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्रोडक्ट। मेरा प्रोडक्ट क्या है? ऑल सिविल इंजीनियर्स, रोड हम बना रहे हैं, ब्रिज हम बना रहे हैं, वाटर सप्लाई हम कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हम कर रहे हैं, मकान हम बना रहे हैं, वाटर टावर हम बना रहे हैं, ऑफशोर प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं। तो एक ढंग से समझिए कि सिविल इंजीनियर्स वी आर स्टीवर्ड्स ऑफ द सोसाइटी, हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं समाज में। अब एग्जाम्पल पर्टिकुलर देश में विदेश में क्या हो रहा है उसको भागलपुर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो एक बहुत बर्निंग टॉपिक है। भागलपुर एक स्मार्ट सिटी के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो अभी स्मार्ट सिटी का बोर्ड लग गया है, लेकिन जो स्मार्ट सिटी का जो एजेंडा है उसको फुलफिल करने में बहुत समय लगेगा और डिटर्मिनेशंस और उसके लिए डिवोशंस होना चाहिए और एक जुनून और जिल होना चाहिए, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में जो लोग बैठे हुए हैं जनता जो है उसको फोर्स करे कि रोड में कंजेशन का बात है, रोड पक्का बना देने से काम नहीं होगा, रोड में ड्रेनेज का प्रॉपर सिस्टम हो, नहीं तो पक्का रोड बनने के बाद फिर एक साल के बाद रेनी सीजन में डिस्ट्रॉय हो जाएगा और करोड़ों रुपये का वेस्टेज होगा। तो यह शहर में ड्रेनेज का कोई व्यवस्था नहीं है, सारे ड्रेनेज इनक्रोच्ड है। तो स्मार्ट कनेक्टिविटी का जो एक कंपोनेंट है उस पर कोई कुछ काम शहर में दिखाई पड़ता है कि कुछ रोड बन गए हैं, लेकिन इंटरनल पेरिफेरल रोड यह सब जो है का हालत बहुत ख़राब है स्मार्ट सिटी में। इसके और सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि यह है कि स्मार्ट गवर्नेंस, उस दिशा में कोई काम नहीं है। गवर्नेंस का जो ढर्रा है अभी उसी ढंग से चल रहा है, स्मार्ट गवर्नेंस धीरे धीरे उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बहुत सारे सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन मिल रहे हैं, चाहे वो इनकम का हो, जाति का हो, और या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो या ऑनलाइन सिस्टम में इफिशियंसी, दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस। लेकिन सारे सर्विसेज को बड़ा मुश्किल है भाई, थोड़ा सा कहीं ना, 5 मिनट बात कीजिए प्लीज़, सारे एडिट कर लें। स्मार्ट गवर्नेंस के जो सारे कंपोनेंट है उसमें शहर को स्मार्ट बनाने के लिए गवर्नेंस भी स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट कनेक्टिविटी होना चाहिए। स्मार्ट कनेक्टिविटी में रोड को स्मार्ट नहीं होना चाहिए, एक मिनट, सिविक सेंस होना चाहिए, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट वन बाय वन, दैट आई विल कम एंड डिस्कस। स्मार्ट कनेक्टिविटी मीन्स स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, रेल नेटवर्क, एयरपोर्ट एंड बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम, यह एक कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट हुआ। तीसरा कंपोनेंट है स्मार्ट इन्वायरमेंट, हमें क्रिएट करना है। स्मार्ट इन्वायरमेंट के लिए गार्बेज जो जनरेट हो रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का WHO पैरामीटर्स के, कि हम अगर मान लें कि एक किलो गार्बेज वेस्ट से सॉलिड वेस्ट मैं जनरेट कर रहा हूँ, ईच एंड एवरी वन इज पोल्यूटर, हम सारे लोग पोल्यूटर हैं, 1 kg वेस्ट हम जनरेट करते हैं, शहर की आबादी 20 से 30 लाख है, तो 30 लाख सॉलिड वेस्ट पर डे जनरेट कर रहे हैं। उसके लिए कोई ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है, कोई स्मार्ट मैकेनिज्म नहीं है, कोई डंपिंग का, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई साइंटिफिक आउटलुक नहीं है, ना डेवलप हुआ। इसके इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से स्मार्ट सिटी में यह सब शॉर्टकमिंग्स है, ड्रॉबैक्स है, जिसकी सुधार की ज़रूरत है। इस कारण से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसका जो प्रोसीडिंग निकलेगा इसमें ऑल डिटेल्स विल कम। इसके बाद जो है स्मार्ट पीपुल भी होना चाहिए, शहर में जो पीपुल है स्मार्ट होना चाहिए। पीपुल अपने आप से स्मार्ट अपने आप से नहीं बन जाएंगे, स्कूल कॉलेज जितने हैं सबको स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, स्मार्ट डिलीवरी ऑफ लेक्चर होना चाहिए, स्मार्ट उसका कनेक्टिविटी होना चाहिए कि कोई हार्वर्ड में जो प्रोफेसर है बैठ के
वहाँ का लेक्चर कनेक्टिविटी के माध्यम से यहाँ के बच्चे सुन सकें और उनका करेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। स्पिरिचुअल लीडर का ज़रूरत है, योगा है, प्राणायाम है, स्मार्ट पीपल बनाने के लिए यह सब स्पिरिचुअल लीडर का भी ज़रूरत है। साथ ही साथ वैल्यू इनकलकेट करना है, वैल्यू इनकलकेट करना है। हमारे जितने स्क्रिप्चर्स हैं, चाहे सब स्क्रिप्चर्स जो है, खास करके जो गीता है वह स्क्रिप्चर्स न हिंदू को कह सकते हैं, न मुस्लिम को कह सकते हैं, न किसी के, मतलब वो जो स्क्रिप्चर्स है उसमें एक शब्द है, मैन इज मेड बाय हिज बिलीफ, एज ही बिलीव्स ही इज एज, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। तो यह निर्माण जो होगा, चरित्र का निर्माण जो होगा, पीपल का, नागरिक का, छात्र का, जो अपकमिंग जो यंग बॉय हैं, एडल्टहुड में इंटर कर रहे हैं, उनका सिविक सेंस जनरेट करने के लिए स्कूल कॉलेज को अच्छे होने की ज़रूरत है, उसको भी स्मार्ट होने की ज़रूरत है। वहाँ एक IIT दिल्ली का जब मैं छात्र था तो एक विषय था हम लोग का वैल्यू एजुकेशन, कि वैल्यू क्या है। तो जो आगे वाला आने वाला जनरेशन है, हमारा ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम के साथ मॉडर्न अप्रोच का होना चाहिए, यह स्मार्ट पीपल का डिफिनीशन है। और उसका आउटलुक ब्रॉडर होना चाहिए, ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल चेंज क्या हो रहा है उसके बारे में उसको अवेयर होना चाहिए। हाँ सर, एक बात बताएं, जो सेमिनार का आप लोगों का कंसेप्ट एडवांसनेस इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये आने वाले समय के लिए और जनरेशन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? ग्लोबल लेवल पर संसार में अभी बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है, खास करके इन्फॉर्मेशन एज में, इस एज में हम लोग रह रहे हैं अभी। टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड ये मूवमेंट देखिए, पहले हम लोग स्टोन एज में थे, स्टोन एज से मेटल एज में आए, मेटल एज से इंडस्ट्रियल एज में आए, इंडस्ट्रियल एज में इन्फॉर्मेशन एज में आए, इन्फॉर्मेशन एज में अब और एडवांसमेंट हो रहा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, VLSI वेरी लार्ज इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस फॉर परफॉर्मेंस बूस्टिंग, जिसमें कि कैसे कोई सिस्टम का परफॉर्मेंस बूस्टिंग कर सके। विथ यह बैकग्राउंड के साथ जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है, तो टेक्नोलॉजिकल चेंज है उसका फ्यूचर क्या है? बैकग्राउंड तो बता दिया, शायद मेटल एज, स्टोन एज, मेटल एज। 40 करोड़ की आबादी है सर, प्लानिंग तो उसी हिसाब से सरकार भी करेगी, तो मैं भी हम लोगों ने देखा। मैं बता रहा हूँ, अभी जो 140 करोड़ का आबादी है, यह हिंदुस्तान के लिए एक डिविडेंट है। डिविडेंट है किस सेंस में, जो हमारे पास यंग वर्किंग पॉपुलेशन विश्व में सबसे ज़्यादा है, यह स्ट्रेंथ है। हम लोग क्या है कि सारे वेस्टर्न वर्ल्ड को, इंक्लूडिंग अमेरिका को, ट्रेंड मैन पावर प्रोफेशनल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और सामान हम लोग वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स। तो यह जो गैप है, ट्रेड का डेफिसिट है अमेरिका USA का, जो सबसे डेवलप कंट्री का बात कर रहा हूँ, तो वह गैप बहुत वाइड है। हम जो पीपल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वह डायस्पोरा जो है, प्रवासी भारतीय हैं, वो भारत में अपने परिवार को जो पैसा भेजते हैं, वह हमारे यहाँ फॉरेन रिजर्व के रूप में जमा होता है, उससे हम सारा अपना देश के पेट को, जनता कोई भी भूखा न रहे, उसका भरण पोषण करते हैं। और हमारा फॉरेन रिजर्व आज के देश में $600 बिलियन है। तो अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हो रहा है, उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट जो है इकोनॉमिकल प्रोस्पेरिटी, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पर पड़ रहा है। आप यह देख, उसका रेशियो क्या है जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, उसका रेशियो? मैं इकोनॉमिक्स नहीं हूँ, इसलिए मैं वह डाटा नहीं दे सकता, बट उसका इम्पैक्ट यही है, जो मुझे जानकारी है कि 600 बिलियन हमारे पास फॉरेन रिजर्व अभी है। इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमिक्स का बात भी हम कर रहे हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पर पड़ रहा है। वो इस सेंस में देखिए, अभी उसका भी डाटा मेरे पास नहीं है, चंद्रयान 3 लैंडिंग किया, क्योंकि सभी लोग जानते हैं, आप हम सारे लोग जानते हैं, चंद्रयान का जो लैंडिंग किया, जो उसका रोवर से जो लैंडिंग हुआ, उसमें सारे इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट फिक्स्ड है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा कैप्चरिंग कैमरा, और वह डाटा कैप्चरिंग कैमरा कर रहा है वह, और हम लोग के स्टेशन पर, इसरो के स्टेशन पर भेजा जा रहा है इंटरप्रिटेशंस के लिए कि उसके ग्राउंड फीचर्स क्या हैं, वहाँ कितना बर्फ़ है, कितना पानी है, कितना मिनरल्स है, उससे क्या होगा। तो भारतवर्ष ने अपने टेक्नोलॉजिकल माइट को, अपने शक्ति को पूरे विश्व में प्रदर्शन कर दिया कि हम माइटिंग हैं। इसका इकोनॉमिकल आस्पेक्ट यह है लॉन्चिंग का, सेटेलाइट का, हम लोग कम्युनिकेशन सेटेलाइट भी लॉन्च कर रहे हैं। वर्ल्ड में सबसे चीपेस्ट सेटेलाइट कम्युनिकेशंस का हिंदुस्तान से लॉन्च हो रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका भी अपना सेटेलाइट जो लॉन्चिंग कर रहा है स्पेस में, वह हिंदुस्तान के इसरो सेंटर से कर रहा है, और सब देश का तो बात छोड़ दीजिए। तो यह हिंदुस्तान का स्ट्रेंथ है। इतना तो आप सब जानते हैं, डाटा का यह सेमिनार नहीं था कि कितने लोग जा रहे हैं। मोटा मोटी यह है कि जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है उसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज ए पार्टनर ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन लिंक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो एम्प्लॉयमेंट का जो चेन लिंक है जो ग्लोबल है, वो हम लोग एक अच्छा एजुकेशन हिंदुस्तान में प्रोवाइड कर रहे हैं। जितना ग्लोबल रिक्रूटर्स हैं अभी सब IIT IIM से प्रोफेशनल यंग को करोड़ों करोड़ दे करके रिक्रूट कर रहे हैं। कारण आप पूछेंगे, कारण इसका कारण ये है कि हम लोग बहुत कम सैलरी पर रिक्रूट कर रहे हैं। जो ग्लोबलाइजेशन के दिशा में कार्य हुआ उसके बाद बिहार एक खुलता हुआ प्रदेश है। पहले जिस तरीके से शिक्षा होती थी उसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ और चॉइसेस बहुत कम थी। आज के दिनों में अपॉर्चुनिटीज़ और चॉइसेस इतने सारे बढ़ गए हैं कि जो छात्र और छात्राएं हैं अपने अभिरुचि के अनुसार जो है आगे बढ़ने का कार्य कर सकते हैं, अपने प्रोफेशन में अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। रूरल इंडिया जी, रूरल बिहार जी, को ध्यान में रखते हुए आप लोगों की टेक्नोलॉजी वहाँ तक कैसे पहुँच कर? देखिए मैं ये बताऊँ कि यहाँ पे समहाउ अदर मेरा कहना है कि प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और जो हायर एजुकेशन है, ये पिछले 20-25 साल में बिहार में काफ़ी पीछे चला गया। और इधर ख़ास तौर से जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वगैरह आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिहार गवर्नमेंट ने इस पर कुछ कार्य करना शुरू किया है और बिहार में तब्दीली आ रही है कि आप देखेंगे कि प्राइमरी एजुकेशन को भी दुरुस्त किया जा रहा है, सेकेंडरी एजुकेशन को भी दुरुस्त किया जा रहा है, हायर एजुकेशन को भी दुरुस्त किया जा रहा है। आज के दिनों में आप पाएंगे कि 7 निश्चय के तहत करीब करीब हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जिला, बिहार के हर एक ज़िले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई है, एक ITI की स्थापना की गई है, पॉलिटेक्निक की स्थापना की गई है। पहले आज से 20 साल पहले आप देखेंगे तो बिहार में सिर्फ 2 इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, उसके बाद 7 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हुए, और आज के दिनों में 38 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और 45 पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स हैं। तो सरकार का उधर ध्यान गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हुए हैं। हाल के दिनों में आप पाएंगे कि जो टीचर्स वगैरह का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था तो टीचर्स का मास लेवल पे रिक्रूटमेंट हुआ है, जो कि जनरल एक शिकायत थी कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई हो रही है, ITI की पढ़ाई हो रही है, लेकिन यहाँ पे शिक्षक नहीं है, योग्य शिक्षक नहीं है। तो हाल के दिनों में आप देखेंगे कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से सभी विधाओं में शिक्षक, रेगुलर शिक्षक की बहाली हुई है, क्वालिटी एजुकेशन में चेंजेज आ रहे हैं जी। तो अच्छे जब शिक्षक आएंगे तो वो क्वालिटी एजुकेशन में तो निश्चित रूप से उस अच्छा होगा। और इधर हाल के दिनों में आप देखेंगे कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक के थ्रू एक प्रोजेक्ट आया था जिसको कहते हैं टेक्विप, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, और बिहार में 7 कॉलेजेस में टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम को बढ़ाया गया। ये इसलिए लाया गया कि तकनीकी शिक्षा में जो एक क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो, इसी के लिए लाया गया। अब क्या है इस पर, तो पैरामीटर्स पर कितना खड़े हुए कितना नहीं खड़े हुए ये तो विवेचना की बात है। नई नई जिम्मेदारी आपके ऊपर आई है, आगे अच्छी बात है, कभी एक मौका मिला, इसको आप किस, इसको
सबसे बड़ी बात है जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अभी अवेलेबल है उसमें थोड़ा सुधार लाना है और कुछ क्रिएट भी करना है। हमारे पास फैकल्टी कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, पुराने भी दो चार पाँच साल के बाद रिटायर होने वाले हैं, लेकिन नए फैकल्टी में ऊर्जा भरा हुआ है, उनका ऊर्जा का उपयोग करना है। हमारे बच्चे लोग बहुत टैलेंट यहाँ आ रहे हैं, पूरे बिहार के सबसे अच्छे कॉलेज में गिना जा रहा है हमारा UBC, और इसको एक अच्छा मार्गदर्शन की ज़रूरी है। जो हम अपने 30 साल से ऊपर टीचिंग करियर का या अनुभव का इसमें हम सुधार करने की कोशिश करें, हर क्षेत्र में सुधार करने की कोशिश करें। यहाँ हम 10-15 दिन करीब से सभी शुरू किए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं सभी क्षेत्र में कुछ न कुछ कमी, जो भी कारण हो। पहले रेगुलर प्रिंसिपल नहीं थे या अप टू मार्क प्रिंसिपल माने कुछ नहीं थे, जिसके वजह से हम देख रहे हैं सुधार का चारों तरफ। इसको हमारा वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम है, उसको जो सुधार की जरूरत है। क्वार्टर सबका रख रखाव की ज़रूरी है, वो भी हमारे क्वार्टर में अथी हमारे जो एकेडमिक ब्लॉक है उसमें सीपेज का प्रॉब्लम है। इन सब संदर्भ में हम सेक्रेटरी साहब से बात किए हैं, सेक्रेटरी साहब हमें आश्वस्त किए हैं जब हम एक महीना के अंदर आपके इंस्टीट्यूट आएँगे, सभी समस्या देख के उसके बाद उसको निदान करने का हम भरोसा दिए हैं। हम सोच रहे हैं जो बहुत अच्छा 2-3 साल हमारे इंस्टीट्यूट जो है बहुत अच्छा ग्रो करेगा, बहुत अच्छा ये अपना पीक पर पहुंच जाएगा, जिसके लिए प्रसिद्ध था फिर प्रसिद्धि प्राप्त कर लेगा। अति पिछड़ा का सबसे बड़ा लीडर मैं हूँ, MP MLA मेरे चेले चटिए हैं। टिकट की बारी आती है तो अजय मंडल और गोपाल मंडल सामने दिखते हैं, यह बर्दाश्त नहीं करूंगा, अति पिछड़ा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर रतन मंडल। जातीय जनगणना के आंकड़े पर एक तरफ जहां विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं, वहीं अति पिछड़ा आयोग के पूर्व अध्यक्ष रतन मंडल ने इसे पूरी तरह से फर्जी करार कर दिया है। उनका आरोप है कि केवल राजनीतिक फायदे के लिए नीतीश कुमार ने यह आंकड़ा जारी किया है, यह आंकड़ा बिल्कुल मनगढ़ंत है और इससे अति पिछड़ा वर्ग की संख्या को भी घटा दिया गया है। आज़ादी के बाद से आज तक अति पिछड़ा के साथ कभी न्याय नहीं हुआ। वहीं रतन मंडल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भागलपुर में मेरे से बड़ा अति पिछड़ा का लीडर कौन हो सकता है, सारे MP MLA मेरे चेला चटिया हैं, इन सभी को टिकट दिलवाने में मेरी ही भूमिका है, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तब कभी गोपाल मंडल को टिकट दे दिया जाता है तो कभी अजय मंडल को। राजनीतिक तौर पर मैंने नीतीश कुमार को पैदा किया, नीतीश कुमार को कौन जानता था, ललन सिंह को कौन जानता था, मैंने ही सभी पार्टी के लोगों को ट्रांसफ़र करवा कर JDU में लाया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, मेरे जिंदगी को नीतीश कुमार ने ख़त्म कर दिया। चार लीडर पैदा कर दिया, आप भागलपुर में देखिए मेरे से बड़ा लीडर कौन हो सकता है, मेरे से हम जितना MLA MP सब मेरा चेला चट्टी है, सालिक सब कम है, हमने टिकट दिया है। आज जब जरूरत पड़ता है गोपाल मंडल खड़ा करता, कभी अजय मंडल को खड़ा करता, हमको सेंड कर, हमसे बेसी मजबूत था। हमने नीतीश कुमार को यह पैदा किए, नीतीश कुमार को कौन चिंता था, कौन जानता, ये ललन सिंह को कौन जानता था, किसी को कौन जानता, हमको इतना इज्जत दिया और हमने हमारे जात पूरा राजद में था, हमने समूचा जाति को ट्रांसफर करा के हम JDU में लाया, क्या मिला हमको, राज्यसभा MLC कभी MP अभी पार्लियामेंट, ये करते करते मेरी लाइफ को खत्म कर दिया ये नीतीश कुमार। बड़ी बात कर रहे हैं आप, बहुत बात, हम काम बात कर रहे हैं बहुत और कहेंगे, हम डरने भरने वाले आदमी नहीं है, हम जो हकीकत हुआ हम अपनी बयान कर रहे हैं। उसने पूरा बिहार वो किसका रहा, किस जोर साहब ने उसको औंगली पकड़ चलाया, क्या सस्ती कर दिया, जिस अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको मंत्रिमंडल किया, दहशत कांड हुआ वहां उसको हटाया फिर लाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रोफेसर रतन मंडल का विवादित बयान बनने लगा है राजनीतिक चर्चा का विषय। पिछले दिनों अति पिछड़ा आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर रतन मंडल के नीतीश कुमार पर टीका टिप्पणी करने को लेकर JDU भागलपुर इकाई के जिला प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा डॉक्टर प्रोफेसर रतन मंडल पिछले दिनों को याद करें, उन्हें जनता दल यूनाइटेड ने कितना सम्मान दिया था, लेकिन अचानक उनकी भाषा बदल गई, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनके कान भर दिए हैं। उन्होंने गोपाल मंडल अजय मंडल के बारे में कहा
जब चुनाव का समय आता है तो बिहार सरकार उस पर विशेष फोकस करती है और मैं उन एमपी एमएलए को तैयार किया हूं। पार्टी हमें भी नजरअंदाज कर रही है। इस बात पर जिला प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने जमकर निशाना साधते हुए कहा वह कहीं ना कहीं से गाइड हो रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गलत तीखा टिप्पणी कर रहे हैं। ये कहीं से सही नहीं है। अगर इस तरह की बात वह वापस नहीं लेते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। रिपोर्ट श्यामानंद सिंह। इस तरह हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता बिहार प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जो उनका बयान आया है और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सह सांसद मुंगेर लोकसभा के ललन बाबू के बारे में, मैं उसका घोर निंदा करता हूं और इस तरह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं ये इनको आगाह भी करता हूँ कि इस तरह का बयान राष्ट्रीय नेता के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए और पुनः कभी नहीं दोहराना चाहिए। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार उन्होंने अपने बयान में कहा है राजनीति में पैदा करने की बात, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार नहीं देश में लाखों ऐसा कार्यकर्ता और नेता पैदा हुए हैं उनके मार्गदर्शन में काम करके, जिसमें से एक ये भी हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ और उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि वो पूर्व के दिनों को याद करे। यही जनता दल यूनाइटेड में प्रदेश के प्रकोष्ठ के उनको अति पिछड़ा का अध्यक्ष बनाया गया और पूरे बिहार में राजनीति करने का, संगठन में काम करने का, घूम घूम के जनता से मिलने जुलने का मौका दिया गया। साथ ही साथ पिछड़ा आयोग के सम्मानित अध्यक्ष के रूप में उनका मनोनयन बिहार सरकार के माध्यम से हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के ही आदेश और निर्देश से इनका आयोग में मनोनयन हुआ और पूरे 3 वर्षों तक इन्होंने उस आयोग का लाभ लिया, सदुपयोग किया और निश्चित रूप से आयोग के जो समाज के लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के जो लोग हैं, उनके संदर्भ में 3 वर्षों में ना कोई काम किया, ना कोई योजना बनाया और ना ही किसी प्रकार का कल्याणकारी योजनाओं के लिए अति पिछड़ा समाज के लिए काम किया। आज ये बीच के दिनों में पार्टी अपना गठन किए, वंचित समाज पार्टी, उसके पूर्व चापाकल छाप से कभी चुनाव लड़े, कभी भी वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, संगठन के साथ खड़ा नहीं रहे। उसके बावजूद भी माननीय नेता, हमारे सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लगातार इनको बार बार मौका दिया काम करने का और सम्मान भी दिया। अब अभी का जो उनका कल का बयान है, इस बयान के बारे में मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कुछ दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के गोड्डा लोकसभा के सांसद निशिकांत दुबे जी के साथ दिल्ली में इनका तस्वीर मीडिया के माध्यम से मैंने देखा हूं, बुके गुलदस्ता देने लेने का तस्वीर। मैं ये कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सांसद निशिकांत दुबे जी ने कुछ न कुछ इनको फुलझड़ी दिखाया है, कान में फूका है, उसी फूकने का परिणाम है कि आगामी जो लोकसभा का चुनाव 2024 का भागलपुर में है, जिसमें हमारे माननीय सांसद अति पिछड़ा का बेटा लोकप्रिय सांसद अजय मंडल जी अभी हैं और इसके पूर्व में भी अति पिछड़ा का ही बेटा गंगोत्री समाज का ही सांसद राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से बूलो मंडल जी और शैलेश कुमार जी रहे हैं, तो लगातार 10 वर्षों से यहाँ जो नेतृत्व अति पिछड़ा का बेटा गंगौत समाज का बेटा बूलो मंडल जी अजय मंडल जी ने किया है, उस कारण से भारतीय जनता पार्टी के पेट में खलबली मच गई है, पेट में मड़ोड़ दे रहा है और वो हतप्रद हैं, हताश हैं और वो चिंतित हैं कि गंगोत्री समाज के बेटे के खिलाफ में उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है भागलपुर लोकसभा में, अति पिछड़ा समाज के खिलाफ प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, वो बेचैन है और ये फिरका परस्त ताकत भाजपा के समर्थित सरकार जो दिल्ली में बैठी है, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, इन दोनों के निर्देश पे भारतीय जनता पार्टी का सांसद निशिकांत दुबे जी भागलपुर में प्रत्याशी ढूंढने में कहीं न कहीं अति पिछड़ा का बेटा, गंगोत समाज का बेटा, विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर रतन मंडल साहब को कान में फूके हैं, कुछ न कुछ उनको फुलझड़ी दिखाए हैं। अब तक बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज़ 24x7।
आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7। सब पर नजर, सबकी खबर।